बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है वो है हमारा ऑफिस ऑटोमेशन पे, कि हमारा जो ऑफिस है, दफ्तर हमारा जो है, उसको हम कम्प्लीटली ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड कैसे कर सकते हैं। हमारे पास जो ट्रेडिशनल ऑफिस थे जो पहले, वो मैक्सिमम मैनुअली चलते थे। मैनुअली कैसे चलते थे, ऑफिस है, कोई भी बंदा जाएगा, गेट के ऊपर गार्ड बैठा हुआ है, वेरीफाई करता है उसे, अगर नाम याद हैं या फेसेस याद हैं तो उसे जाने देता है, नहीं तो वो वेरीफाई करता है एम्प्लॉयज़ को भी, ठीक है, कार्ड वगैरह जो कुछ भी है। उसके बाद वो एंटर होते हैं, एंटर होने के बाद अटेंडेंस आती थी, अटेंडेंस रजिस्टर पर लगती थी, उसके बाद तमाम काम जो है वो पेपर्स पे होता था, फाइल सिस्टम था, डाटा स्टोरेज कंप्यूटर की नहीं थी, सारा जो है वो काम मैनुअली हो रहा था। अब उसको चेंज करने के लिए, उसको ऑटोमेट करने के लिए हमें जो सपोर्ट किया वो कंप्यूटर ने किया। कंप्यूटर कैसे सपोर्ट कर रहे हैं कि जी आप चीज़ों को ऑटोमेट करवा लें। कैसे करवा लें जी? जो जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनका डाटा जो है आपने पहले जो मैनुअली फाइल्स के अंदर रखा हुआ था, सिंपली आप उनको किसी चीज़ में डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाएं, ठीक है, उसी के अगेंस्ट आप जो है वो वॉक थ्रू गेट के ऊपर ऑथेंटिकेशन लगा दें कि जो बंदा ऑथेंटिकेट होगा वो बंदा, उसके लिए गेट ओपन होगा, नहीं तो जो मेन डोर ओपन ही नहीं होगा। जैसे कि हमारे पास कार्ड पे कार्ड सिस्टम भी होता है, थंब सिस्टम भी है, देन आई रेटिना पे भी डिटेक्शन होती है, डिफरेंट वेज हैं इस चीज़ के। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या अटेंडेंस का आता था। अटेंडेंस पहले मैनुअली लगती थी, अब क्या है जी, ठीक है, वो बंदा एंटर हो गया है, उसने अपना कार्ड स्कैन कर दिया है मशीन के ऊपर, देन इट्स मीन्स के ये एग्जैक्ट टाइम ये है कि ये बंदा 8:10, 8:05 पे आया। मैनुअल में तो ये है ना कि वो खुद लिखता था या जो भी लिखता था उसमें ऊपर नीचे हो सकता था, मैन एरर कर सकता था, ह्यूमन एरर की वजह से भी आ सकता था, लेकिन इसके अंदर तो ये है कि आप जितने बजे कार्ड स्कैन करेंगे एग्जैक्ट वही टाइम जो है वो आपका नोट हो जाएगा। फिर आगे आपने एम्प्लॉयज़ का डाटा रखा हुआ था या आपने डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स का डाटा रखा हुआ था या और किसी भी किस्म का डाटा जो आपको मैनुअली पड़ा होता था फाइल्स के अंदर, अब क्या है हमारे पास, उसी को हम ले आए ऑटोमेटेड वे के ऊपर। कंप्यूटर के ऊपर सारा डाटा पड़ा हुआ है, अब अपना डाटा जो है वो सारे का सारा कंप्यूटर के ऊपर जो है वो सेव करवा दें। एम्प्लॉयज का डाटा हो वो चाहे किसी भी किस्म का डाटा है तो वो अच्छा, फिर उसकी एक्सेस भी आसान हुई है। फाइल आप एक घंटे में एक बंदा एक ढूंढता है, जबकि कंप्यूटर के ऊपर विद इन मिनट्स। तो ये हमारे पास एक ऑटोमेशन है ऑफिस को ऑटोमेट करने के डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। इसमें जो जनरल कैटेगरीज हैं ऑफिस ऑटोमेशन में वो पाँच हैं, जिनमें से एक डिसीजन मेकिंग है। डिसीजन मेकिंग क्या होता है, फैसला लेना, डिसीजन लेना, ये डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। आप अपने पास डाटा के ऊपर भी डिसीजन ले सकते हैं, देन आप फ्यूचर प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। इसी तरह से कोई भी डिसीजन लेना हो आपने अपनी सर्कमस्टांसिस को देखते हुए विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, वो चीज़ें आपको कंप्यूटर हेल्प करता है उस चीज़ के अंदर। उसके बाद डाटा को मैनिपुलेट करना, डाटा को सेव करवाना, सेंड करना, रिसीव करना, देन डिफरेंट डाटा को मैनिपुलेशन के डिफरेंट वे जो है वो भी होम ऑटोमेशन के अंदर आते हैं। फिर डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करना, डॉक्यूमेंट हैंडलिंग क्या है, अच्छा डाटा आ तो गया है, सेव भी जा रहा है, उसको आ भी रहा है, जा भी रहा है, सेंड हो रहा है, रिसीव भी हो रहा है। अब बात यह है कि डाटा को हैंडल कैसे करें, उन डॉक्यूमेंट्स को हैंडल कैसे करें, उनको भी हम इसी डाटा होमेट इसमें ऑफिस ऑटोमेशन में देखते हैं। उसके बाद हमारे पास कम्युनिकेशन, डेफिनेटली एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर 50 एम्प्लॉयज़ हैं तो उनकी कम्युनिकेशन के भी डेफिनेटली इश्यूज होंगे, या तो उनको फिजिकली करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें फिर कंप्यूटर ने हमें फैसिलिटी दी है कि आप चैट बॉक्स बनाएं या एक चैट ग्रुप बनाएं, उसके अंदर बैठ के आप किसी भी वक्त अपनी सीट पे बैठे बैठे नेक्स्ट पर्सन से कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे वो दूसरे रूम में बैठा हुआ है या ऑफिस के दूसरे कोने में बैठा हुआ है। फिर स्टोरेज आती है हमारे पास, स्टोरेज डिफरेंट किस्म की स्टोरेज, जो डेटा की स्टोरेज हमारे पास होती है कि डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास क्या क्या प्रोसीजर डेटा बेस होगी, डेटा वेयर हाउस रखेंगे हम या हमारी
लोकल डेटाबेस होगी या वर्चुअल डेटाबेस, वो सारी की सारी चीजें हमारी होम ऑटोमेशन में ये फिफ्थ पार्ट है हमारे पास। अच्छा, इस वक्त जो हमारे पास मैक्सिमम जो हमारे ऑफिसेज है ना, वो जो हमारी फैसिलिटीज होम इसके ऑफिस ऑटोमेशन के लिए हैं, उनमें से मैक्सिमम ऑफिसेज यूज भी कर रहे हैं। अब देखें कि डेटाबेस, हर ऑफिस ने अपनी डेटाबेस, या तो उन्होंने MySQL पे रखा हुआ है डेटा, या अपनी डेटाबेस उन्होंने क्रिएट की हुई है, जिस मैनेज ने भी की हुई है, उस पर अभी हम नहीं जाते हैं। तो वो डेटाबेसेस है। अच्छा, मैक्सिमम ऑफिसेज के अंदर जो अटेंडेंस है वो भी बायोमेट्रिक हो रही है या कार्ड के ऊपर हो रही है। इसी तरह से ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम बहुत बहुत हद तक कंट्रोल हुई है। मैक्सिमम चीज़ें जो है वो होम ऑटोमेशन या उस पे चली गई हैं, कंप्यूटर बेस्ड चली गई हैं। इसी तरह मीटिंग्स जो थी, पहले मीटिंग्स फिजिकल होती थी, अब एक तो कोविड की वजह से और दूसरा इसने कंप्यूटर ने हमें हेल्प आउट किया कि कोई भी बंदा किसी भी दूसरे शहर, दूसरे अगर कोई बंदा विजिट पे गया हुआ कंपनी विजिट पे और वो दूसरे शहर में मीटिंग आ गई तो कैसे अटेंड करें, तो फिर वर्चुअल मीटिंग्स का कंसेप्ट है हमारे पास। इस तरह से बाकी सारे सिस्टम जो है वो हमारे पास ऑफिस ऑटोमेशन में आते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो डॉक्यूमेंट की मैनेजमेंट सिस्टम है। डॉक्यूमेंट में मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है हमारे पास, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली हमारे पास एक प्रोसीजर है हमारे पास, जो क्या करता है, किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करता है या एडिट करता है इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली हम किसी भी एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं या एडिट करते हैं या उसे पब्लिश करते हैं। डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं, डिफरेंट किस्म के और प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं जिन्हें हम देखते हैं। अच्छा, डेस्कटॉप पब्लिकेशंस इनेबल करता है हमें क्या, मेकिंग डॉक्यूमेंट अट्रैक्टिव। एक तो है कि आपने एक डॉक्यूमेंट बना दिया और दूसरा फिर उस डॉक्यूमेंट को आपको अट्रैक्टिव भी बनाना होता है, यानी कि खूबसूरत लगे। अच्छा, उसके बाद इमेज की प्रोसेसिंग भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स के अंदर आती है। एक इमेज आ गई है, जैसे हम उसकी बात ले रहे थे, ऑटोमेटेड वॉक थ्रू गेट्स की बात कर रहे थे, पर्सन आया है उसकी इमेज डिटेक्ट हुई है, उसको प्रोसेस करेगा वो, उसकी जो है वो इंफॉर्मेशन बैक एंड पे जाके चेक करेगा, देन वो उसको वो प्रोसेस करवा देगा कि ये बंदा अपना है या यानी कि ऑफिस का वर्कर है या नहीं है। उसके बाद हमारे पास और इमेज की प्रोसेसिंग और डिफरेंट डाटा की प्रोसेसिंग हमारे पास होती है। तो ये सारी हमारे पास डॉक्यूमेंट की मैनेजमेंट सिस्टम में आती है। कोई भी किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट जो हमने इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस करना है, क्रिएट करना है या उसे एडिट करना है, वो हमारे पास किस चीज़ के अंदर आता है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आता है। अच्छा, इसमें हमारे पास अब सिंपल एग्जांपल पे आते हैं। अगर डॉक्यूमेंट की हमारे पास वर्ड की एग्जांपल है, वर्ड में हम कोई भी चीज़ लिखते हैं, टाइप करते हैं, उसके बाद हमारे पास डिफरेंट सेपरेट शीट्स, एक्सेल की शीट्स हैं, उसके अंदर हम चीज़ें जो है वो रीड राइट करने के बाद उसको जो है वो डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज में हमें उसकी हैंडल करने की भी ज़रूरत पड़ती है उन चीज़ों को। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो मैसेज हैंडलिंग सिस्टम है। मैसेज हैंडलिंग सिस्टम क्या है, पहले हमारे पास फैक्स का कंसेप्ट था, अब हमारे पास जो फैक्स का कंसेप्ट तो मैक्सिमम जो है वो ख़त्म हो गया हुआ है। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, जिसे हम ईमेल भी कहते हैं, उस चीज़ का कंसेप्ट है। अच्छा, उस चीज़ से भी अपडेट हुए हम, चैट पे आ गए, चैट बॉक्स हमारे पास, चैट बॉक्स कौन कौन सी प्रोवाइड करती है, मैसेंजर प्रोवाइड करता है हमें, देन हमारे पास व्हाट्सएप है हमारे पास, और इस तरह के डिफरेंट हैं जो हमें टेक्स्ट में इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, आल्सो इन द फॉर्म ऑफ वॉइस जो है वो हमारे पास मैसेजेस को हम एक जगह से दूसरी जगह विदाउट एनी फिजिकल लोकेशन, हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं, इलेक्ट्रॉनिकली हमारा जो मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफर कर जाता है। तो इन चीज़ों को जो हमारे पास ट्रेडिशनल फैक्स का सिस्टम हमारे पास बेसिकली जब ये आया तो बहुत बड़ा कंसेप्ट था, इसने बहुत फेवर दी हमें।
लेकिन जैसे ही अपडेट हुआ हम ईमेल के ऊपर या वॉइस मैसेजेज या वॉइस मेल के ऊपर आए हैं, तो वो चीज़ें भी हमारी जो है वो ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि इसने हमें बहुत ज़्यादा हद तक हेल्प आउट किया है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास ऑफिस का सपोर्ट सिस्टम है। ऑफिस सपोर्ट सिस्टम इनेबल करता है हमें कोऑर्डिनेट एप मैनेज करने के लिए एक्टिविटीज इन द वर्क ग्रुप। कोई भी ऑफिस है उसके अंदर डिफरेंट टीमें बनी हुई हैं, अच्छा उसमें कोऑर्डिनेशन के लिए या एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ हमको सपोर्ट करती है, हमें ऑफिस सपोर्ट सिस्टम हमें हेल्प करता है। जैसे हमारे पास ग्रुप वेयर, डेस्कटॉप ऑर्गेनाइजर और दूसरी और किस्म की एग्जांपल्स हैं जो कि ऑफिस सपोर्ट सिस्टम के अंदर आती हैं। ग्रुप वेयर हमारे पास क्या है, सेम एज हमारे पास वर्क ग्रुप की एग्जांपल, ग्रुप वेयर हमारे पास डिफरेंट पीपल्स या डिफरेंट पर्संस का ग्रुप जिसके अंदर हम अपने जिस डिफरेंट एम्प्लॉयज जो है एक ग्रुप के या एक टीम के कम्युनिकेट करते हैं आपस के अंदर, वो हमारे पास ऑफिस सपोर्ट सिस्टम हमें उसके थ्रू हेल्प करता है। अच्छा तो स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ई कॉमर्स का है। ई कॉमर्स बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, कॉमर्स हमारे पास वो बिजनेस है जिसके अंदर वो तिजारत जिसके अंदर किसी भी प्रोडक्ट को एक्सचेंज किया जाए, सेल किया जाए या बाय किया जाए, ये चीज़ें हमारे पास एक कॉमर्स के अंदर आती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या है, वही तमाम चीज़ें हम एक्सचेंज करें या बाय करें या सेल करें विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, या हमारे पास विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर जो हम उन चीज़ों को अगर मैनेज कर रहे हो या उसी के थ्रू लेन देन कर रहे हो, तो वो हमारे पास क्या होता है, ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स में बेसिकली हमारे पास क्या होता है, हम घर बैठे बैठे अपनी कोई भी ट्रांजेक्शन है हमारी वो हम कंडक्ट कर सकते हैं। दूसरे पार्टनर से हमने अपनी डील करनी है वो हम कर सकते हैं। अच्छा दूसरी एग्जांपल इसकी होम बैंकिंग है, घर में बैठ के हम क्या करते हैं, अपनी तमाम जो ट्रांजेक्शन हैं, पैसे भेजने हैं अपने एक से दूसरी जगह आपके अकाउंट है, जस्ट उसे एक्सेस करें मोबाइल के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर या लैपटॉप पे, उसे अपने अकाउंट डिटेल्स ऐड करें, लॉगिन करने के बाद अपनी ट्रांजेक्शन आप दुनिया के किसी भी कोने में आप लोग कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद शॉपिंग है हमारे पास, जो मैक्सिमम ई कॉमर्स के अंदर ज़्यादातर स्टूडेंट समझते होंगे इस चीज़ को क्योंकि ई कॉमर्स का जब नाम आता है तो सबसे पहले शॉपिंग ही हमारे माइंड में आती है। शॉपिंग कैसे है हमारे पास, आप किसी भी जैसे द्राज डॉट पीके पे जाए, सिंपली अपनी जो जो चीज़ें आपने परचेज करनी है उन चीज़ों की आप रिक्वायरमेंट्स, उन चीज़ों को सर्च करें, ऐड कराते जाएं अपनी बास्केट के अंदर, देन हमारे पास क्या होगा, आप उनको बाय परचेज करें, ट्रांजेक्शन करें, आपको जो शिपमेंट है वो आपके घर पे जो आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको आपके घर पे मिल जाती हैं। अच्छा इसी की एक और बेहतरीन एग्जांपल आजकल फूड है, फूड पांडा, जिसके अंदर हमारे पास फूड पांडा में क्या होता है, कोई भी किसी भी रेस्टोरेंट पे आप ऑर्डर करें, सिंपली सिंपली ऑर्डर करने के बाद क्या होगा जी, विद इन 30 मिनट्स या 40 मिनट्स आपका ऑर्डर आपके घर, पैसे उसे पकड़ाएं भाई को, और ये हमारे पास जो है वो ई कॉमर्स ने हमारे लिए इजीनेस क्रिएट की है। अच्छा कम्युनिकेशन डेफिनेटली हमारे पास आसान हो गई हुई है, कोई चीज़ परचेज करनी है ई कॉमर्स के थ्रू आसान हो गई है, जॉब फाइंड आउट करनी है आपने विद इन, आप क्यूरी करें गूगल के ऊपर तो विद इन सेकेंड्स आप जो टारगेटेड जॉब है आपकी उसके अगेंस्ट वैकेंसीज अगर कहीं ओपन है तो वो आपको उसकी हिस्ट्री उस गूगल की सर्च बार के अंदर वो चीज़ें आपको रिजल्ट में शो करवा देते हैं। उसके बाद आपने ग्लोब ऑल ओवर द वर्ल्ड आप अपनी मार्केटिंग भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करनी है आपने प्रोडक्ट की, या आपने कस्टमर को सर्विसेज देनी है ग्लोबल विलेज में, या हमारे पास दुनिया के किसी भी कोने में हम ई कॉमर्स के थ्रू वो तमाम सर्विसेज दे सकते हैं। कुछ हमारे पास ई कॉमर्स वो हैं, वो कोलाबरेटिव कॉमर्स भी हैं, बिजनेस टू कॉमर्स हैं, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ये हमारे पास बेसिकली डिफरेंट सर्विसेज हैं, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ये हमारे पास डिफरेंट किस्म की
क्या होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, क्या होगा जी कंज्यूमर टू कंज्यूमर कम्युनिकेशन हमारे पास कैसे होती है? किसी भी एक प्रोडक्ट के ऊपर आप नीचे कमेंट्स दिए होते हैं, उन पे क्या होता है जी, आप सिंपली जाएं कमेंट्स देखें, एक प्रोडक्ट है उस पर 10 कमेंट्स हैं, उनमें से 8 बंदे कह रहे हैं कि जी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, 2 बंदों का अगर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं भी रहा तो 80% रेशो पे आप जो चीज़ों को प्रेफरेंस दे रहे हैं उस चीज़ को आप बाय कर लेते हैं। अच्छा, ये इन चीज़ों बेसिकली कमेंट्स को जो हम एनालिसिस करते हैं ऑटोमेटेड वे के थ्रू, वो हमारे पास सेंटीमेंट एनालिसिस होता है, उन्हीं की बेस पे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन भी अपनी डिसीजन ले रही होती है। अच्छा, एक प्रोडक्ट पे हमारे जो है ना 1 लाख रिव्यू से एनालिसिस करने के बाद, सेंटीमेंट एनालिसिस करने के बाद उनको बता देते हैं कि जी आपके जो यूज़र थे उन्होंने इस चीज़ को पसंद किया है, उस चीज़ में वो चेंजेज या मॉडिफिकेशन चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली कंपनी भी अपने आप को अपडेट कर लेती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो ई कॉमर्स के अंदर फ्रीक्वेंटली जो चीज़ें यूज होती हैं उनके अंदर सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकल मेल है, ई मेल बेसिकली हम क्या करते हैं अपने मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैसे मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह? अब हमने अपना कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हमने एक बनाया, वो हमने सेंड करना है, किसको सेंड करना है? बॉस ने जी तमाम अपने एम्प्लॉयज को मेल करनी है कि जी आज से आपके जो इंक्रीमेंट था वो 10% नहीं, इस साल आपको 15% इंक्रीमेंट मिल रहा है, इसकी रीज़न ये है कि आपने आउट परफॉर्म किया। सिंपली एक मेल टाइप करे, सबको वो सेंड कर दे, बजाय इसके कि वो मीटिंग बुलाए और टाइम लगाए उसके ऊपर इन्वायरमेंट रेडी करने में, देन अपना मैसेज कन्वे करने में। विद इन सेकेंड उसने मेल उसने लिखी और विद इन सेकेंड मेल जो है वो दूसरे एंड पे सब लोगों को चली जाएगी। अच्छा, उससे फिर अपडेट हुआ हमारे पास व्हाट्सएप ने बहुत सी चेंजेस लाया, वॉइस मेल का कंसेप्ट है, ग्रुप बने हुए हैं, ग्रुप के अंदर वॉइस डालो, विद इन सेकेंड्स मैसेज आपके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो जाता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कंसेप्ट है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है हमारे पास? किसी भी वर्चुअल एनवायरनमेंट के थ्रू हमने किसी भी प्लेस से किसी भी पर्सन को हमने एड अप करवाना है मीटिंग के लिए, तो सिंपली हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कंसेप्ट है। वो कैसे है जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? अब तो मैक्सिमम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बेस्ट एग्जांपल जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की वो हमारी जूम ऐप है। कल हमारी जूम के ऊपर मीटिंग हुई थी, क्या हुआ था जी, तमाम जो लोग थे वो फिजिकली कहीं और एग्जिस्ट कर रहे थे, अपने अपने घरों में बैठे हुए अपना जो है वो लेक्चर किसके ऊपर ले रहे थे, जूम के ऊपर जो हम अपनी वर्चुअल मीटिंग कर रहे थे अपने लेक्चर के अगेंस्ट के लिए, कौन कौन सी चीज़ें ठीक थी, कौन सी चीज़ें समझ आई हैं, कौन सी चीज़ें समझ नहीं आई। ये इन्वायरमेंट है हमारे पास, फिजिकल इन्वायरमेंट उसने दिखाया हुआ और वो बता रहा है कि ये चीज़ें हमें सेव करता है किस चीज़ के अंदर, कॉस्ट सेविंग और डिफरेंट प्लेसेस या इन्वायरमेंट के रेडी करने के लिए जो डिफरेंट कॉस्ट हमारी उसके ऊपर आती है उन चीज़ों से हमें ये बचाता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिकल शॉपिंग, पहले ही डिटेल्स में हो गई है इसके ऊपर भी बात, ई शॉपिंग क्या है, आप अपने घर बैठे हुए दराज पे जाएं, बल्कि अमेजोन ने पता है आप लोगों को इस दफा सबसे ज्यादा जो है अमेजोन ने अपने वो किए हैं, अमेजोन ने सेलिंग की है अपने, इनकी सेल लगी थी अभी कुछ दिन पहले, तो सबसे ज्यादा जो है वो पता नहीं कितने बिलियन की जो उन्होंने सेल की है पिछले दिनों में यूजिंग ई कॉमर्स। पाकिस्तान में भी लोगों ने बैठ के अपने उन्होंने सेल लगाई हुई थी, तो पाकिस्तान में लोगों ने बैठ के ऑर्डर्स किए, डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट लोगों ने ऑर्डर किए, तो ये हमारे पास ई शॉपिंग यानी कि एक रजिस्टर कर रही है फर्म किसी दूसरे कंट्री में और बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो लोग उसे सर्विसेज उठा रहे हैं और वो 24 आवर सर्विसेज जो है वो दे रही है। इलेक्ट्रॉनिकल मेल पहले भी बताया कि ऑनलाइन बैंकिंग हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है, या हमारे पास जैज कैश या इजी पैसा की अब अकाउंट्स हैं, सारी की सारी ऑनलाइन बैंकिंग है।
आप कोई फिजिकल ट्रांजैक्शन की किसी फिजिकल बैंक की जरूरत नहीं है आपको, जस्ट आपके पास अकाउंट में पैसे हैं, बैंक नहीं जाना पड़ेगा आपको, आप उधर ही बैठे बैठे अपनी ट्रांजैक्शन जो है वो एक जगह से सिंपली दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, ओवरव्यू ले लेते हैं आज के लेक्चर का। आज के लेक्चर में हमने कौन सी चीजें पढ़ी हैं? आज के लेक्चर में हमने पढ़ा था बिजनेस मार्केट, बिजनेस हमने कल पढ़ा था, बिजनेस के बाद आज हम पढ़ रहे थे ऑफिस ऑटोमेशन। इसके अंदर क्या चीजें देखी हमने, ऑफिस को ऑटोमेट या ऑफिस को कंप्यूटर बेस्ड इजीनेस कैसे कैसे हमारे पास इसके अंदर आई है, वो तमाम हम ऑफिस की ऑटोमेशन में थी। इसमें एक हमारे पास था डॉक्यूमेंट की मैनेजमेंट सिस्टम, के डॉक्यूमेंट को किसी भी इलेक्ट्रॉनिकली क्रिएट या एडिट कैसे करना है या उसको ट्रांसफर कैसे करना है डॉक्यूमेंट के अंदर। उसके फिर हमारे पास प्रोसीजर थे कि मैसेज को इन द फॉर्म ऑफ मैसेजेस को किया जाए या ऑफिस के सपोर्ट सिस्टम के थ्रू उन चीज़ों को इनेबल किया जाए। उसके बाद हमारे पास ई कॉमर्स, ई कॉमर्स हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस, हमारे पास ई बिजनेस जिसे हम कहते हैं आज के लिए ई कॉमर्स कहते हैं, उसमें हम चीज़ों को सेल बाय या प्रोडक्ट एक्सचेंज किसके थ्रू कर रहे होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू उन चीज़ों को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। इसके अंदर हमारे पास ईमेल का कंसेप्ट, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकली कोई भी हमने मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। उसके बाद हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हमने मीटिंग करनी है या लोगों से मुलाकात करनी है तो उसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कंसेप्ट था। उसके बाद हमारे पास ई शॉपिंग और हमारे पास देन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ई बैंकिंग हमारे पास। ये बच्चों आज का हमारा लेक्चर था और ये कम्प्लीट इसका रिव्यू हमने दे दिया। अब इस पर आपको किसी भी किस्म का कोई भी इशू हो या कोई भी चीज़ समझ नहीं आई आपको तो फिर हम अपने लेक्चर के अंदर जो हमारी कॉन्फ्रेंस होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जूम पे जूम मीटिंग के अंदर वो चीज़ें हम क्लियर कर लें। चलें तो बच्चे ठीक है, फिर मिलते हैं मीटिंग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।